हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां हम आपको बताएंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग। आई एम इनसाइड एक्यूआई द फाउंडर ऑफ इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड आई एम इनसाइड केटी द को-फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स का इंस्टीट्यूट है। हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स को क्रिएटिव एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर वो अपने पैशन को परस्यू कर सकें, जो कि है फिल्म मेकिंग। हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का मेन रीजन ही ये था कि हम एक ऐसी जगह बना सकें जहां आर्टिस्ट क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में फिल्म मेकिंग सीख सके। एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स फन कर सकते हैं, अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं और फिल्म मेकिंग को डेप्थ तक समझ सकते हैं और बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकते हैं, बेहतरीन फिल्म मेकर्स बन सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है एंड उन्हें काम करते देखने का भी मौका मिलता है। स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ काम करके सीखते हैं, बिकॉज हम खुद भी फिल्म मेकर्स हैं और फिल्म मेकिंग हमारा भी पैशन है एंड हम स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जिस भी तरीके से हमने उसे एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे पास टोटल 6 कोर्सेज हैं जिसमें से 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं एंड 3 लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। एंड हमारे 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वीडियो एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स एंड फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा वी हैव 3 लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो कि हैं फिल्म मेकिंग, एडवांस विजुअल इफेक्ट्स एंड फिल्म मेकिंग प्लस वीएफएक्स। हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत स्पेसिफिक हैं। हमारा जो पहला कोर्स है वीडियो एडिटिंग, वो फोकस्ड है एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग के ऊपर। ये 3 मंथ्स का कोर्स है एंड इसमें प्रीमियर प्रो एंड डाविंची सॉफ्टवेयर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। नेक्स्ट है विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स जो कि 6 मंथ्स का कोर्स है। ये जो कोर्स है ये डिजाइन किया स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल शूटिंग। इस कोर्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को 3 सॉफ्टवेयर सिखाते हैं जो कि है फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। एंड लास्ट शॉर्ट टर्म कोर्स है फिल्म प्रोडक्शन का एंड ये स्पेसिफिक है फिल्म प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। इस कोर्स पे हम स्टूडेंट्स को स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्ट डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोडक्शन एंड फिल्म डायरेक्शन कवर करवाते हैं। ये कोर्स हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो फील्ड में ज्यादा काम करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। सो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज की। सो हमारा पहला लॉन्ग टर्म कोर्स है एडवांस विजुअल इफेक्ट्स। सो बेसिकली ये कोर्स 1 साल का कोर्स है जो कि डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी अपकमिंग आर्टिस्ट विजुअल इफेक्ट्स को बहुत ही डेप्थ में समझ सके। इस कोर्स के अंदर हमने सॉफ्टवेयर्स के साथ साथ काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखी है, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को कैमरा एंड लाइट्स के बारे में नॉलेज देते हैं, आर्ट डायरेक्शन जिसमें हम स्टूडेंट्स को आर्ट के बारे में बताते हैं एंड वीएफएक्स डायरेक्शन जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को वीएफएक्स डायरेक्ट कैसे करना है, टेक्निक को डिसाइड कैसे करना है कि किस तरीके से किसी विजुअल इफेक्ट को अप्रोच किया जाए वो सिखाते हैं। सो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझी है कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर एक फिल्म मेकर का काम बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका आर्टवर्क अच्छा हो जाता है अगर उसको लाइट की, कैमरा की नॉलेज है, अगर उसको स्टोरी टेलिंग की नॉलेज है, अगर उसे किसी चीज़ को डायरेक्ट करने की नॉलेज है। और ये सब चीज़ें हमने कोर्स में इसलिए रखी हैं बिकॉज एज अ वीएफएक्स डायरेक्टर मुझे खुद जो 8 साल का एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि जब आप किसी भी आर्टवर्क को अप्रोच करते हैं, किसी भी विजुअल इफेक्ट को अप्रोच करते हैं और अगर आपको कैमरा की नॉलेज है, अगर आपको लाइट की नॉलेज है, अगर आपको आर्ट डायरेक्शन की नॉलेज है, वीएफएस डायरेक्शन की नॉलेज है, सो आप इन चीज़ों को अगर डेप्थ में समझते हैं तो आपका जो आर्टवर्क है वो एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है, वो बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी आप डिलीवर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा हम एडिशनल सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं इस कोर्स में जो नॉर्मल हमारा विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स है उसके अलावा, जैसे कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है जो कि सीजीआई के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर सारा 3D का काम होता है। और ये सिखाने के लिए हम अपने स्पेशल एक टीचर को, एक फैकल्टी को बुलाते हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, NPS 3D जो खुद एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जिन्हें मोर देन 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है विजुअल इफेक्ट्स का और CGI का। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन आर्टिस्ट के लिए जो इन फ्यूचर VFX डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर VFX कंपोजिटर बनना चाहते हैं। इस कोर्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स करवाते हैं, उसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स के प्लगइन्स करवाते हैं, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर करवाते हैं और कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची सॉफ्टवेयर करवाते हैं और प्रैक्टिकली आर्ट डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और VFX डायरेक्शन की नॉलेज भी हमने देते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कोर्स है फिल्म मेकिंग का जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्क्रिप्ट लिखने से लेकर डायरेक्शन,
एडिटिंग, साउंड, बेसिक ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, जितनी भी चीज़ें जो एक फिल्म को बनाने के लिए लगती हैं वो सब हम उनमें सिखाते हैं। ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फिल्म मेकिंग को डेप्थ में सीखना चाहते हैं एंड स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, After Effects जैसे सॉफ्टवेयर उनके प्रैक्टिकल के साथ साथ सिखाते हैं। एंड लास्ट जो हमारा लॉन्ग कोर्स है वो है फिल्म मेकिंग प्लस एडवांस VFX। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जो अभी हमने आपको दो कोर्सेज बताए थे उन दोनों कोर्सेज के सिलेबस को कंबाइन किया हुआ है। ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया है कोर्स उन फिल्म मेकर्स के लिए जो विजुअल इफेक्ट्स को एक असेंशियल पार्ट समझते हैं अपनी फिल्म मेकिंग का और इन फ्यूचर अपनी फिल्म मेकिंग के अंदर विजुअल इफेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। ये 18 मंथ्स का कोर्स है जहां पर स्टूडेंट्स को फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर के साथ साथ सारी फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, जैसे कि डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन। सो ये थे हमारी कोर्सेज। सो कोर्सेज के बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल हैं। सो उसके लिए हम देखते हैं एक छोटा सा वॉक थ्रू पूरे इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट का वॉक थ्रू और अब हम बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के इवेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में। वी कवर डिफरेंट एक्टिविटीज टू, जिसमें कि हमारी फेस्टिव सेलिब्रेशन से लेकर अलग अलग गेम्स तक भी हम लोग करवाते हैं बच्चों को, ताकि वो अपडेटेड रहें एंड वो लोग इंजॉयबल रहें, एक्टिव रहें। हम मेजरली चार तरह के इवेंट्स करवाते हैं, जो कि है कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स एंड ओरिएंटेशन। और ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट यहाँ पर अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकें और अपनी फिल्म मेकिंग की जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो लर्निंग की जर्नी है उनकी, उसे वो एंजॉय कर सकें। फर्स्ट इवेंट है ओरिएंटेशन। जब भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को फैकल्टी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उनके खुद के बैचमेट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। हर मंथ हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जिसमें कि टीचर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनके डाउट्स लेते हैं जिस भी टॉपिक पर वो वर्कशॉप होती है उसके रिगार्डिंग, एंड उनके सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हम फिल्म कैमरा और फिल्म लाइटिंग की भी एक वर्कशॉप करवाते हैं, जहां पर हम फिल्म कैमराज और फिल्म लाइटिंग के साथ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स को फिल्म गियर के बारे में समझाते हैं, फिल्म गियर प्रैक्टिस करवाते हैं, फिल्म प्रोडक्शन के एस्पेक्ट समझाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के पास, जहाँ पर वो डायरेक्टली फिल्म गियर के ऊपर प्रैक्टिस कर सके। अब बात करते हैं एजुकेशनल ट्रिप की, जो हर साल दो बार कंडक्ट की जाती है। हम स्टूडेंट्स को आउट स्टेशन लेकर जाते हैं एंड वहाँ पर स्टूडेंट्स फन करते हैं, नए कल्चर को जानते हैं एंड उसके अलावा हम उनके साथ शूट भी करते हैं। एंड लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हम इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज़ कॉम्पिटिशन्स। हर मंथ हम लोग दो कॉम्पिटिशन्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसमें कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें वो कम्पीट करते हैं, अपने आर्टवर्क को क्रिएट करते हैं और हम विनर्स को अवार्ड करते हैं विद सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए। सो ये थे हमारे इवेंट्स एंड अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। सो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जिसमें कि हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हम फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। इसके अलावा ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सिक्स मंथ्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड देन उनका हम एक टेस्ट लेते हैं। जो स्टूडेंट्स उन टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हें मैक्सिमम 50% तक स्कॉलरशिप दी जाती है बाय इंसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग। सो नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, व्हाट हैपेंस आफ्टर द कोर्स, कोर्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट, हम कोई भी 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी या ऐसा कुछ भी चीज़ प्रॉमिस किसी स्टूडेंट को नहीं करते हैं। हमारे कोर्सेज इवन जॉब ओरिएंटेड हैं ही नहीं, हमारे जो कोर्सेज हैं वो स्किल ओरिएंटेड है, वो नॉलेज ओरिएंटेड हैं, जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, स्किल मिलती है। और एक बार अगर आप स्किल अटेन कर लेते हैं, कोई नॉलेज अटेन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी तरह का काम करने में, किसी भी तरह की जॉब करने में। सो दैट्स वाई वी प्रोवाइड स्किल एंड नॉलेज ओरिएंटेड कोर्सेज रादर देन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। लेकिन हाँ, हम आपको ये गारंटी ज़रूर देते हैं कि अगर जो भी चीज़ हम आपको करवा रहे हैं आप उसे प्रॉपरली करते हैं, पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी स्किल को अटेन करते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आप डिजर्व करते हैं वो आपको पक्का मिलेगी। जो भी चीज़ आप ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम जॉब है या कोई भी अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स को हमारे साथ मिलती है, एंड दैट इज डायरेक्ट इंटर्नशिप विद इनसाइड मोशन पिक्चर्स। हमारे स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान एंड कोर्स के बाद फुली लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। एंड सेकेंडली वी गाइड स्टूडेंट्स जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो साथ में सीख रहे होते हैं वो बाद में अपना काम साथ में स्टार्ट करते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं ताकि वो अपने काम को ग्रो कर सकें। इसके अलावा क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, सो न्यूज़ से लेकर कॉर्पोरेट तक, म्यूजिक वीडियो से लेकर फिल्म्स तक, एंड ब्रांड से लेकर ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क तक, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी स्किल पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर और जो भी प्रैक्टिकल वर्क आपके कोर्सेज में है उसे समझते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो बाद में से। So who and why should someone join Inside Institute of Filmmaking? So जो सबसे पहला reason है that is work culture और work environment जो आपको मिलता है यहाँ पर, जो सीखने का environment है, जो काम करने का environment है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, because यहाँ पर हम लोग खुद इतना dedicatedly काम करते हैं और अपने artwork को passionately pursue कर रहे हैं। So आपको भी वो culture, वो environment मिलता है जहाँ पर आप filmmaking को सीख सकते हैं, visual effects को सीख सकते हैं और as an artist grow कर सकते हैं। So, दूसरा रीजन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। तीसरी चीज है गाइडेंस एंड नॉलेज फ्रॉम हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एंड टीचर्स, जो कि खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत टाइम से अपनी फील्ड में अपने आर्टवर्क को क्रिएट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं डायरेक्टली आपके साथ, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज इन द फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स। एंड मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, जो कि डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर काम करने की, बिकॉज आप एक प्रोडक्शन हाउस के साथ ज्वाइन करते हैं एज अ स्टूडेंट, जहाँ पर आप सीख भी सकते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप सीखते चलेंगे वैसे वैसे लाइव प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करने को मिलेगा। और हम लोग पर्सनली भी स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, चाहे वो अपने खुद का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो या फिर उनके प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली उनके साथ मिलकर काम करने का हो। एंड नंबर 4, टिप्स एंड नॉलेज जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। हमें कॉन्टैक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें कि सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप हमारी वेबसाइट theinsideinstitute.com पर जाकर हमारे कोर्सेज को चेक करें और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जिसे आप फिल कर सकते हैं, जिसमें अपनी सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं और हमारी जो टीम है वो आपको कॉल बैक करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी और सभी कोर्सेज की डिटेल और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, दैट इज 7973915679। ये मंडे टू फ्राइडे 10 AM टू 5 PM वर्किंग कॉन्टैक्ट है। अगर आप इसके अलावा किसी और टाइम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई बैक करेंगे, सेम नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको डिटेल्स दी इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में, बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या कुछ है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन से इवेंट्स हम करवाते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। सो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और एक अच्छे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सो ज्वाइन कीजिए इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग को। आई विल सी यू इन द इंस्टीट्यूट, अंटिल देन दिस इज इनसाइड AKY, दिस इज इनसाइड KD, टेक केयर, बाय बाय।